मानव तस्कर पन्नालाल की मोस्ट वांटेड पत्नी सुनीता देवी ने आखिरकार एनआईए कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। सुनीता पर गरीब बच्चियों को बेचने का आरोप है और उस पर 1,00,000 का इनाम घोषित था। वांटेड सुनीता देवी का एनआईए कोर्ट में सरेंडर। सुनीता देवी पर 1,00,000 का था इनाम। मानव तस्कर पन्नालाल की पत्नी है सुनीता। कुख्यात मानव तस्कर पन्नालाल महतो की पत्नी सुनीता देवी ने एनआईए कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। सुनीता को एनआईए ने वांटेड घोषित कर रखा था, उस पर 1,00,000 का इनाम रखा गया था। सुनीता पर गरीब बेटियों को बहला फुसला कर काम दिलाने के बहाने बड़े बड़े महानगरों में बेचने का आरोप है। नगर सुनीता कुमारी, उसी को आज सरेंडर कराए हैं। अब आगे जो ट्रायल होगा वो ट्रायल फेस करेंगे आगे। इन पे अभी कोई डायरेक्ट एलिगेशन इन पे नहीं है, बाकी लोग ट्रायल फेस कर रहे हैं। इनका रिकॉर्ड स्प्लिट अप हो गया था, अलग कर दिया गया था। इसमें छोटा मोटा एलिगेशन था, बाद में देखेंगे, ट्रायल के समय देखेंगे उसको। कौन है सुनीता देवी? कुख्यात मानव तस्कर पन्नालाल की पत्नी है सुनीता। गरीब बच्चियों को महानगर में बेचने का है आरोप। 15 सालों में 5,000 से ज्यादा बच्चियों के सौदा का आरोप। 80 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप। 3 प्लेसमेंट कंपनी के जरिए काम दिलाने के नाम पर सौदा। 19 जुलाई 2019 को खूंटी के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाने में पहली बार केस दर्ज। एनआईए ने केस को किया टेकओवर। 4 मार्च 2020 को दर्ज की प्राथमिकी। कूटी से गिरफ्तार कर जेल भेजी गई थी सुनीता देवी। जमानत मिलने के बाद से फरार थी सुनीता देवी। एनआईए ने सुनीता पर घोषित किया था 1,00,000 का इनाम। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से दीपक उराव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।